लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताने का क्लॉज पढ़ते समय बताया था कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, और वर्ड के बाद फिर फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। फिर मैंने एक वर्ड से आपको फ्रेज और फ्रेज से सेंटेंस भी बना करके दिखाया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उस समय बताया था कि ये देखिए, ये रहा आपका जो लास्ट में जो मैंने किया था, उसके अंदर ये था कि देखो, ही इज़ वेल्दी, तो ही इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ फ्रेज बन गया। और उससे फिर देखो, ही इज़ वीक, ही इज़ ए मैन पजेसिंग नो स्ट्रेंथ। और बाद में इसी को हमने हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, ही इज़ वेल्दी, ही इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ही इज़ ए मैन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, ही इज़ वीक, ही इज़ ए मैन पजेसिंग वीकनेस, और हु हैज़ नो स्ट्रेंथ, और ही इज़ अ मैन हु हैज़ वीकनेस या हु पजेसिस नो स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद से जैसे सेंटेंस है कि इट इज़ सरप्राइजिंग, तो हिज बिहेवियर इज सरप्राइजिंग, हिज रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, हाउ ही गॉट दिस रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, हाउ ही बिहेव्स इज सरप्राइजिंग। आई डू नॉट नो इट, आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, आई डू नॉट नो हिज मार्क्स, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, या आई डू नॉट नो वॉट ही हैज़ गॉट। तो ही इज़ अ मैन, अभी ये बताया था और लास्ट में कहा था कि ही इज़ अ मैन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, ही इज़ अ मैन हु पजेसेस नो स्ट्रेंथ, हाउ ही गॉट हिज रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, एंड आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अब आज आपको एक चीज़ समझा दूँ पहले, कि तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस माने जाते हैं, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस होता है, राइट? सिंपल सेंटेंस एक होता है, कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन तरह के सेंटेंस के हमेशा होते हैं, राइट? सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मेनली एक सब्जेक्ट होता है और आमतौर पे एक ही प्रेडिकेट होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन हिज कॉलेज, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। अब वर्ब के हिसाब से मतलब सब्जेक्ट का बाकी हिस्सा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही एंड इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन हिज कॉलेज, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। उसके अंदर एक ही वो होता है, क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक ही उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, और उसी का फिर उसके बाद से उसी का जो है प्रेडिकेट होता है, एक ही क्लॉज होती है, उसके अंदर दो तीन नहीं होते हैं, राइट ना? उसमें दो तीन सिंपल सा एक्सरसाइज है, ही गोज, ही गोज, राइट? ही, इसको आप बोल सकते हैं, इन सबको जो है हम लोग जैसे कि हम बोले आई सॉ हिम राइटिंग अ लेटर, मैंने देखा क्या उसको पत्र लिखते हुए, आई सॉ हिम राइटिंग अ लेटर कह सकते हैं। एक सब्जेक्ट और उसका बाकी हिस्सा पूरा का पूरा उसी के लिए। आप यही बोल सकते हैं, ड्रिवन बाई हंगर ही स्टोल, भूख से परेशान होकर उसने चोरी की। तो ये सारा का सारा एक ही क्लॉज बन रहा है, इसके अंदर एक ही सेंटेंस बन रहा है। एक सब्जेक्ट है, बाकी सारा का सारा हिस्सा उसके बारे में है या वो कर रहा है खुद। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। उसके बाद
दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर इक्वल वैल्यू के दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, जैसे कि ही इज स्लो बट ही इज रेगुलर। वो स्लो है लेकिन वो रेगुलर है, राइट। नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर भी, ना तो आप उधार लेने वाले बनिए ना ही उधार देने वाले बनिए, राइट ना। इसमें आप मतलब कहने का सेंस है, आई वेंट टू द एंड ऑफ द यार्ड बट देर वॉज but there was no sign of Ram Singh। यहां पे यही है, but there was no sign of Ram Singh। पूरा का पूरा इक्वल वैल्यू का है और वो कोऑर्डिनेटिक जो कंजक्शंस होते हैं उनसे आमतौर पे ये जुड़ते हैं। आइदर और से जो सेंटेंस जुड़ने वाले होते हैं वो जुड़ते हैं आपके आइदर और, नाइदर नॉर बट स्टिल बोथ एंड एटसेट्रा। जो जो जुड़ने वाले जो होते हैं उनके साथ जो जुड़ते हैं, जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस होते हैं उनके साथ जुड़ने वाले होते हैं उनको मिला करके बनाया जाता है। दोनों सेंटेंस की वैल्यू बराबर होती है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? अपने को इंटरेस्ट ना तो इसमें है ना इसमें है, हमारा मेन हिस्सा जो पड़ेगा वो पड़ेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये दोनों क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। देखिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जो हमारा मेन हिस्सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब अलग अलग करके आते हैं और उसमें एक मेन होता है और एक लेस इम्पॉर्टेंट, मतलब उस पर डिपेंडेंट होता है। अभी तक जो थे दोनों की वैल्यू बराबर थी। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, राइट ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही विल कम व्हेन यू वांट हिम, ही इज द बॉय हु इज working hard for the exams। How he passed is a miracle। अब अगर आप देखें यहां तीन सेंटेंस लिखे हैं, यहां पर भी देखिए वर्ब है विल कम कौन, ही वॉन्ट कौन, ही विल कम वो आएगा, व्हेन यू वांट हिम जब आप उन्हें चाहेंगे, वांट कौन यू, ही इज द बॉय हु, ही इज द बॉय इज वर्किंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड हु इसके ऊपर ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है, यहां पे ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है, यहां पे ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट ये है, यहां पर हाउ ही पास्ट पास्ट का सब्जेक्ट ही है और इज का सब्जेक्ट पूरा का पूरा यहां तक निकल के आता है। अगर आप देखें तो यहां पे अब जो है इसके अंदर दो दो क्लॉजेस हैं। अब यहां पे
इस वर्ब इसके सब्जेक्ट को एक साइड कर दीजिए, ये वर्ब इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साइड कर दीजिए, और जो जोड़ने वाला जो यहाँ पे कंजक्शन है जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ही इज़ द बॉय, ये एक हो गया, ही इज़ द बॉय। हु इज़ वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम, दूसरा हो गया। इज अ मिरेकल, वॉट इज अ मिरेकल, ये एक हिस्सा हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। पहले वाले में अगर आप देखें ही विल कम, और ये दूसरा है व्हेन यू वांट हिम, राइट। दूसरे में क्या आ रहा है, ही इज द बॉय हु इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम, और तीसरा में है हाउ ही पास्ड, ये एक है, हाउ ही पास्ड इज अ मिरेकल, इज अ मिरेकल। तो यहां पर ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मुख्य क्लॉज, और व्हेन यू वांट इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट, जो मीनिंग में दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है या उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। व्हेन यू कम, ही विल कम, वो आएगा जब आप उन्हें बुलाएंगे। ही इज द बॉय, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हाउ ही पास, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इज अ मिरेकल पूरा मिलाकर देंगे तो ये प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा। आपको जो एग्जाम में आएगा वो इस तरह के क्लॉज आएंगे, तो सेंटेंस होगा उसमें आपको क्लॉज को अलग करना होगा, फिर बताना होगा कि ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। जैसे यहां पर ये जो है एडवर्ब है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये नाउन क्लॉज है। अब एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन क्लॉज समझने से पहले पहली चीज समझने की जरूरत ये होती है, जो जरूरी है वो ये है, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज नाउन। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप क्लॉज को कैसे समझेंगे, क्योंकि उसका एक फंक्शन होता है। तो मैं आपको यहाँ एक एक करके चीज़ बताता हूँ कि नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का बेसिक मतलब होता है इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस, व्यक्ति वस्तु और स्थान का जो नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, और आम तौर पे ये व्हाट और हु का आंसर देता है, क्या, कौन और कहां, क्या वस्तु के लिए, हु व्यक्ति के लिए, और कहां जगह के लिए। जब इसका आप आंसर करेंगे तो वह नाउन बन जाएगा, जैसे कि, और आमतौर पे नाउन सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नाउन का जो सेंटेंस के अंदर वर्ब होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और आमतौर पे जवाब देता है व्हाट का, कभी कभी हु का और वेयर का, सबसे अधिक व्हाट का। जैसे ही इज माय फ्रेंड, तो हु इज माई फ्रेंड नाउन, ही इज वॉट माई फ्रेंड, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, हु लाइक्स, आई, आई की जगह ही कर देंगे तो लाइक्स हो जाएगा, है ना। आई लाइक क्या चीज, टू प्ले, टू प्ले क्या चीज, वॉट ऑब्जेक्ट, राइट।
तो आम तौर पे जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, वो वर्ब के पहले, वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, इस तरह से आता है। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि ये यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में बोलूँ, 5-6 एग्जांपल आपको देता हूँ जो नाउन के आएंगे, आप उसे समझ जाएंगे कि ये कैसे बनता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, आपके सामने आया है, राम इज अ, हु इज अ टीचर, राम इज अ टीचर, राइट ना। उसके बाद से अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आएगा, यहां भी व्हाट का ही आंसर आया या हु का आंसर आया, राइट ना। आई टीच राम और आई टीच इंग्लिश, आई टीच किसे और क्या, हु एंड व्हाट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, राइट। इसके बाद अगर आप और आगे आप बढ़ें, प्लीज, ये प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा, देखो, प्लीज अटेंड टू हिज वर्ड्स, अटेंड टू व्हाट हिज वर्ड्स, राइट ना। इसको क्या बोलेंगे, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में है। कई बार जो होता है इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे कि इन्फिनिटिव होता है ना टू वाला, जैसे आई आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड टू हियर इट, आई एम ग्लैड टू हियर इट, मैं बहुत खुश हूं सुन करके, क्या चीज, व्हाट। तो ये भी आपको नाउन प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, राइट ना। उसके बाद से जीरंड के रूप में, मतलब इस तरह से कई बार आता है, आप ये मान के चलिए, कई बार आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में भी आता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में, जैसे कि द फैक्ट इज दिस, फैक्ट क्या है, ये है, इसके बिना, इसको पूरा करने के लिए जो वर्ड चाहिए वो नाउन प्रोनाउन के रूप में आता है, करेक्ट। और कई बार इन अपोजिशन आता है, इन अपोजिशन टू अ नाउन, यहां नाउन और प्रोनाउन को एक जैसा हम मान के चल रहे हैं। अपोजिशन का मतलब जैसे कि द रामायण, द ग्रेट एपिक, या एंड ग्रेट एपिक इज अ रिलीजियस बुक। अब इसी चीज की जगह दोबारा, मतलब उसको आप ये मत बोलिए कि उसके बारे में बता रहे हैं कौन सा रामायण, ये उसी चीज के बारे में बता रहा है, वही का वही चीज। जैसे द किंग बोलो ना, द किंग राजा रंजीत सिंह, वॉज ब्रेव, किंग वॉज ब्रेव, किंग कौन, किंग राजा रंजीत सिंह, ये नहीं था कौन सा किंग, उसको ही बस एक तरह से उसके सामने उसी को पूरा का पूरा मीनिंग बताते हुए लिख देना, इसको हम बोलते हैं नाउन। ये नाउन तो मालूम ही है, नाउन के रूप को हम कई बार सब्जेक्ट के रूप में, कई बार ऑब्जेक्ट के रूप में, कई बार इन्फिनिटिव के बाद के ऑब्जेक्ट के रूप में, कई बार प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और कई बार वर्ब की कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कई बार इन पोजिशन हम इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं नाउन। ये पहली चीज है, दिस इज कॉल्ड नाउन। अब इसके बाद से लेट अस हैव, क्योंकि यहीं पे जब आप नाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब समझेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से हमें वहां पे वो यूज करना है, क्लॉज कैसे निकालनी है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो दोज वर्ड्स
वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन को आमतौर पे को क्वालिफाई करते हैं। मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, जैसे कि बुक, कौन सी बुक, ये वाली या वो वाली, घर, कौन सा घर, ये वाला या वो वाला, राइट ना। लड़का, कौन सा लड़का, ये वाला या वो वाला। आमतौर पर इस तरह से मान के चलो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ये समय, कौन सा समय। जब कभी किसी चीज को आप बताएं, क्वालिफाई करें किसी नाउन, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान को, उसके बारे में कुछ बताएं, तो वहां पे एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आई लाइक ए पेट डॉग, मुझे पसंद है डॉग, कौन सा डॉग, कोई सा नहीं, पेट डॉग, कौन सा डॉग, पालतू, कोई और नहीं, राइट ना। आई नो द गिल्टी पर्सन, मुझे मैं जानता हूं वहां कौन से आदमी को, गिल्टी आदमी को, राइट ना। आई लिव इन एन ओल्ड हाउस, मैं रहता हूं एक घर में, कैसे घर में, ओल्ड घर में। आई गेट अप आई लिव इन एन ओल्ड हाउस और आई टीच हार्ड वर्किंग बॉयज, मैं पढ़ाता हूं कैसे बच्चों को, हार्ड वर्किंग बॉयज को मैं पढ़ाता हूं, राइट ना। आई रिमेंबर द एक्सीडेंट टाइम, मुझे समय याद है, कौन सा समय याद है, घटना वाला समय याद है, ये सब बता रहा है, कौन सा डॉग, कौन सा व्यक्ति, कौन सा घर, कौन सा लड़के और कौन सा घटना, राइट ना। डू यू नो हिज बर्थ प्लेस, डू यू नो हिज प्लेस, नहीं कौन सा जगह, पैदा होने वाली जगह, डू यू नो हिज बर्थ प्लेस, कौन सी जगह, पैदा होने वाली जगह पर। आई डोंट लाइक लायर्स या आई डोंट लाइक लाइंग पीपल, मुझे झूठे पसंद नहीं है, मुझे कौन से लोग पसंद नहीं है, झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है। तो यहां ये क्या हुआ, ये पहला वाला नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या कर रहा है, किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह की विशेषता बता रहा है, बता रहा है कौन सा, ये नहीं वो नहीं है, राइट ना, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव। तो आपको यहां पर क्या होगा, जो एडजेक्टिव एक वर्ड है उसकी जगह पूरा का पूरा फ्रेज या पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा, वो आपको निकाल के बताना होगा।
राइट। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। ओके, एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, ये आप समझे, क्रिया विशेषण, राइट। एडवर्ब्स क्या करते हैं? एडवर्ब्स क्या करते हैं? ये वर्ब की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता बताते हैं। अभी समझाता हूं, वर्ब की विशेषता, ये एडवर्ब्स जो हैं, एडवर्ब की विशेषता भी बताते हैं, राइट। और जो एडवर्ब्स होते हैं ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताते हैं। यानी एडवर्ब तीन तरह काम करता है, वर्ब की विशेषता, उसके बारे में कुछ ना कुछ, एडवर्ब की विशेषता और एडजेक्ट, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ विशेषता बताएगा या उसको क्वालिफाई करेगा। इन अ वे यू कैन से कि एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्ट, आपके लिए ज्यादातर ये वाला ये काम में आएगा। अब समझाता हूं कैसे। जैसे कि राम टीचेस, राम टीचेस कब, कहां, कैसे, कब, कहां, कैसे, क्यों, फॉर व्हाट, किस लिए, इन व्हाट कंडीशन, किस हालत में, इस तरह की जो चीजें बताएंगे। जैसे कि राम टीचेस नाउ, राम टीचेस एट 9 o'clock, राम टीचेस कब, ऑन संडे, राम टीचेस हियर, राम टीचेस देयर, राम टीचेस इन कॉलेज, राम टीचेस प्रॉपरली, राम टीचेस बैडली, राम टीचेस फॉर जॉब, राम टीचेस फॉर मार्क्स, राम टीचेस टू अर्न, कमाने के लिए, राइट ना, राम टीचेस इफ ही इज आस्क, अगर उसे कहा जाता है तो राम पढ़ाता है। कहने का सेंस हुआ कि आम तौर पे जो एडवर्ब, जो जो ये एडवर्ब होता है ये वर्ब की विशेषता बताता है कि कोई क्रिया कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किस हालत में की जाती है। अब ये हुआ, सब में बताया इसने, ये जो सारे के सारे वर्ड हैं ये बता रहे हैं कि ये एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस हालत में हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब, राइट। अब दूसरा मैंने कहा जैसे कि राम स्पीक्स लाउडली, राम स्पीक्स कैसे, लाउडली, तेज बोलता है, तेज, तो तेज जो वर्ड है वो स्पीक की क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा बोलता है, तेज बोलता है, या तेज स्लोली, राइट ना। अब इसको अगर आप बताएं, बट लाउडली तो ठीक है, बट कितना तेज, कितना तेज, हाउ लाउडली, या हाउ कितना धीमा, तो यहां पे क्या आएगा, राम वेरी लाउडली। तो वेरी जो हो गया ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्पीक्स की विशेषता लाउडली, और लाउडली की विशेषता स्पीक्स, तो राम स्पीक्स वेरी लाउडली, राइट ना, या राम स्पीक्स वेरी स्लोली, धीमा, बट बहुत धीमा,
तो यहां पे जो वर्ड आया, पहले में बताया गया कि वर्ब विशेषता आमतौर पे आपको इस तरह के आएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एडवर्ब की विशेषता भी बताने वाले वर्ड को एडवर्ब ही कहा जाता है। और यहाँ पे जैसे लाउडली और स्लोली को क्वालिफाई किया। और इसके बाद से एक और आता है जो लास्ट है, वो होता है कि कई बार एडवर्ब एडजेक्टिव विशेषता बताता है। जैसे ये क्या हुआ, ये यहाँ पे क्वालिफाई वर्ब, यहां क्या किया क्वालिफाई एडवर्ब, अब क्या आ जाएगा क्वालिफाई एडजेक्टिव, कैसे, इस तरह से राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। बट पॉइंट इज कितना अच्छा, तो बोलूंगा राम इज ए वेरी गुड बॉय। तो वेरी जो वर्ड कर रहा है वो गुड एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यानी कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो आपके एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताते हैं। आज के दिन जो मैंने आपको बताया, आज के दिन मैंने आपको ये बताया मेनली कि आपके यहाँ सिंपल सेंटेंस होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर एक वर्ब होती है और फिर उसका प्रेडिकेट होता है, जैसे कि राम टीचर्स इंग्लिश, एक ही होगा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट हियर, आफ्टर हैविंग फूड ही वेंट आउट, तो आफ्टर हैविंग फूड अलग से नहीं बन रहा है, उसी का पार्ट है, ही वेंट आउट आफ्टर हैविंग फूड, इसमें एक मेन वर्ब है और एक मेन सब्जेक्ट है। और कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे बराबर वैल्यू वाले दो सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा जाता है, बट है, हाउएवर है, स्टिल है, नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर से जोड़ते हैं, जैसे कि राम वेंट टू द कॉलेज एंड आई स्लेप्ट एट होम, एंड से जोड़ दिया, राम कॉलेज चला गया मैं घर पे सो गया, बराबर वैल्यू का है। ही डिड नॉट गो देयर बट ही स्टडीड समथिंग, वो वहाँ नहीं गया लेकिन उसने कुछ पढ़ा, तो लेकिन उसने कुछ पढ़ा अलग बट से जोड़ दिया, दोनों की वैल्यू अपने अपने आप में बराबर है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट करके वर्ब अलग अलग करके हैं, वर्ब अलग अलग है। ये भी, ये दोनों आपको एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में आपको आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहाँ पे दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस एक ही सेंटेंस में हो सकते हैं, एक मेन क्लॉज होगा और बाकी का हिस्सा आपका सबॉर्डिनेट होगा, जैसे कि आई वेंट टू द कॉलेज वेन आई गॉट द लेटर, तो मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू द कॉलेज एक वर्ब है, वेंट कौन गया, मैं गया, आई वेंट कहाँ पर टू द कॉलेज, आई वेंट टू द कॉलेज कब गया, वेन आई गॉट द लेटर, गॉट द लेटर कौन किसको मिला, मुझे, आई गॉट द लेटर, वेन आई गॉट द लेटर, तो एक क्रिया तब की मैंने जब मुझे दूसरी क्रिया, जब मुझे लेटर मिल गया तब। तो यहाँ पे पहला वाला हिस्सा अपने आप में ज्यादा कंप्लीट है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे आई वेंट टू द कॉलेज, और वेन आई गॉट द लेटर इसे बोलेंगे सबॉर्डिनेट क्लॉज, यही क्लॉज को आपको ढूंढना है। राम इज अ बॉय ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो राम इज अ बॉय हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो राम इज अ बॉय हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, राम इज अ बॉय एक प्रिंसिपल क्लॉज है, हु इज वेरी हार्ड वर्किंग सबॉर्डिनेट क्लॉज, यही आपको चुनना है। एंड दिस इज द प्लेस आई वॉज बॉर्न, दिस इज द प्लेस यही जगह है वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वेयर आई वॉज बॉर्न सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और नाउन क्लॉज में इस तरह वो जो दूसरा एक ये भी आता है, ही पास्ड द एग्जाम, हाउ ही पास्ड द एग्जाम, हाउ ही पास्ड ये नाउन क्लॉज मतलब बताऊंगा बाद में, लेकिन हाउ ही पास्ड इनकम्प्लीट लगता है, तो ये वाला हाउ ही पास्ड, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, वेदर ही विल कम और नॉट, ये क्लॉज है जो आपको छांटना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं। अभी तक मैंने जो बताया कि वर्ड लेटर वर्ड फ्रेज सेंटेंस क्लॉज, क्लॉज के तीन रूप, एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन क्या होता है। नाउन होता है, पता होना चाहिए, नाउन इज बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बताते हैं और आमतौर पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, व्हाट और हु का आंसर करते हैं। और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, कौन सा व्यक्ति या कौन सी जगह या कौन सी वस्तु।
और जो एडजेक्ट एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। एडवर्ब में, वर्ब में मतलब कोई काम कब किया, कहाँ किया, क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, इसका जो आंसर आएगा उसे एडवर्ब बोला जाएगा। कोई काम तेज बोलता है बट कितना तेज बोलता है, तेज दौड़ता है बट कितना तेज दौड़ता है, जो यानी एडवर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडवर्ब बोलते हैं। और कोई बहुत लंबा है, कोई एक लड़का लंबा बट कितना लंबा है, बहुत लंबा है, तो बहुत वर्ड यानी एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले वर्ड को भी एडवर्ब कहा जाता है। अब कल लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर जो आपको होगा उसमें मैं आपको क्लॉजेस के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ओके, बाय, थैंक यू।